तमाम सुविधाओं के अलावा यहां रखरखाव पर ध्यान दिया जा रहा है। शहर में खूबसूरत पार्कों का निर्माण किया गया है। जबलपुर के हर कोने में प्रकृति की ऐसी हरियाली आपको देखने को मिल जाएगी। ये शहर बहुत हरा भरा है। यही एक वजह थी कि यहाँ पर जब दूसरे प्रदेशों से लोग नौकरी करने, व्यापार करने के लिए आए तो वे इस खूबसूरत नजारे से बंद कर रह गए और इस शहर से वापस नहीं जा पाए। खिलाड़ी दिए कि जबलपुर शहर में खेलों का विकास होना चाहिए, सुविधाएं ज्यादा होना चाहिए। इसी के आधार पर यहाँ पर नए स्टेडियम का भी निर्माण किया गया है। अब रानीताल स्टेडियम को बहुत ही खास तरीके से सजाया गया है, अत्याधुनिक तरीके से बनाया गया है। अब इस स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ भी बिछाया गया है और साथ ही इसे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस के लिए भी तैयार किया जा रहा है। जबलपुर की तमाम खासियतों में एक है भेड़ाघाट। अमरकंटक से भरूच तक बहने वाली नर्मदा जबलपुर की हसीन वादियों में दाखिल होती है तो शहर की तहजीब से मिलकर ये पानी दूधिया रोशनी पैदा करता है। लगता है हजारों मोती शहर के दामन में बिखर गए हों और इन्हीं नजारों को देखने रोज हजारों लोग इस शहर का हिस्सा बनते हैं। जबलपुर में भेड़ाघाट का ये इलाका कुदरती खूबसूरती के लिए जाना जाता है। नर्मदा के दोनों तरफ संगमरमर की चट्टानों का लंबा सिलसिला है। जब नर्मदा इन वादियों के बीच बलखाती हुई चलती है तो मनमोहक लगती है। अमरकंटक से भरूच तक बहने वाली नर्मदा खूबसूरत नजारों के लिए जानी जाती है, लेकिन जैसे ही नर्मदा जबलपुर की वादियों में दाखिल होती है तो और भी खूबसूरत माहौल पेश करती है। पानी संगमरमर की चट्टानों से मिलकर दूधिया रोशनी पैदा करता है और जब सूरज की रोशनी इस पानी से अटखेलियां करती है तो हजारों मोती जबलपुर के दामन में भर जाते हैं।